हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी मेरे पास और ये पूछ रहे थे सर कौन सा समय सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए। अब देखिए, पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट समय तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसंट्रेशन कब ज़्यादा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि मैं कहूँ सुबह उठ के पढ़िए या रात को जाग के पढ़िए तो वो ज़्यादा बेटर टाइम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कंसंट्रेशन कब ज़्यादा है। जिस समय आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है उसी समय पढ़ना सबसे बेस्ट होता है, पहली बात। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर फिर हम ये कैसे जाने कि कंसंट्रेशन हमारी कब ज़्यादा है, ये हमें कैसे पता लगेगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब कंसंट्रेशन पता करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ये देखिए कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में वो कौन सा ऐसा समय है, चाहे सुबह का समय है, चाहे रात का समय है या वो दोपहर का समय है, जिस समय आपका मन काफ़ी शांत रहता है कंपैरेटिवली। यानी कि कोई कोई कहता है कि सुबह उठ के हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, मॉर्निंग का समय काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ एकदम उजाला रहता है, बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती रहती है, तो एक काफ़ी अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, उस समय हमारा मन शांत रहता है। तो यानी जब आपका मन जिस समय शांत रहे, अगर मॉर्निंग के समय शांत रहे तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेटर है पढ़ने के लिए आपके लिए। अगर कोई कहता है कि नहीं सर हमें तो रात के समय जब सब सो जाते हैं, सब लोग के सोने के बाद एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट घर में बन जाता है, तब हम टेबल लैंप ऑन करके स्टडी टेबल पे अपना पढ़ सकते हैं, तो ठीक है, फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए रात का समय सबसे बेहतर है पढ़ने के लिए। मैटर करता है कि आपका मन शांत किस समय है। जिस समय आपका मन शांत होगा वही समय ही आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है टू स्टडी। तो आपने ध्यान रखना है कि पूरे 24 घंटे में ऐसा वो कौन सा समय है जिस समय आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है, काफ़ी हद तक काम होता है, ठीक है। ऐसे समय में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे और काफ़ी कुछ आप पढ़ भी पाएंगे, आपको पढ़ाई मन भी लगेगा और जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात, जो बच्चे कहते हैं हमें बहुत देर रात तक पढ़ने का बहुत शौक है, काफ़ी देर रात तक हम पढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ज़्यादा देर रात तक पढ़ने से आपकी आई साइट पर असर पड़ सकता है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको रात को पढ़ने का काफ़ी मन करता है तो आप 12 बजे के बाद ना पढ़िए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11:30 और 12, उसके बाद ना पढ़िए। तो उसके बाद अगर आप बॉडी को ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्लीप कम लेते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो मिनिमम आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में नींद को लेना। तो अगर आपको 6 to 7 आवर्स की नींद स्लीप आवर्स कंप्लीट होंगे तभी आपका बेटर फोकस बन पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो या तो आप मॉर्निंग में पढ़िए, या तो आप नाइट में पढ़िए, या आप दोपहर को पढ़िए, इट डजेंट मैटर कि कौन सा टाइम बेस्ट है, वो ही टाइम बेस्ट है, याद रखिएगा मेरी बात, जिस टाइम आपका मन आपका माइंड बिल्कुल काम है शांत है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो सारा दिन ही मेरा माइंड तो ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट रहता है, मेरा तो माइंड कभी काम रहता ही नहीं है। तो आपके लिए भी एक सजेशन है कि आप थोड़ा सा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, 5 मिनट्स ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए, डीप ब्रीद करना, डीप ब्रीद आउट करना, इस तरह की कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस 5 मिनट्स डेली स्टार्ट करिए, आपका माइंड काम होना शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे आप फोकस होना शुरू हो जाएंगे और आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप देख पाएंगे कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने लिए किस समय पढ़ना चाहिए और किस समय हमारा फोकस सबसे ज्यादा होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।